हे गाइस, दिस इज आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के सर केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम एडसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी एडसॉर्प्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक पॉसिबिलिटी ऑफ एडसॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण की ऊष्मागतिक संभावना के बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं। ध्यान दें, सबसे पहली बात, एडसॉर्प्शन को अपन किस प्रकार से शो कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक बीकर है, एक बीकर है और इस बीकर में आपने एडसॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक भर रखा है, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, इस एडसॉर्बेंट को डिस्कस करें हम, इसका ये बल्क पार्ट है और यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है ये सरफेस पार्ट है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या उपस्थित है, एयर प्रेजेंट है, वायु उपस्थित है। इस तरह से एयर पार्टिकल्स को शो कर दें हम, ओके। ये इसके ऊपर वायु के, एयर के कण हैं, ठीक है। अब जो हमने एडसॉर्बेंट ले रखा है, देखिए ये एडसॉर्बेंट है, ये एडसॉर्बेंट है, और इस एडसॉर्बेंट का इस एडसॉर्बेंट पर एडसॉर्प्शन होगा, इस अधिशोषक शोष्य का इस अधिशोषक पर अधिशोषण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, सबसे पहले इस एडसॉर्बेंट में जो यहाँ पे इसका पार्टिकल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको अपन स्टडी करें। तो इस मॉलिक्यूल के चारों ओर अन्य मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इस तरह से होंगे होंगे। अब ये मॉलिक्यूल इसको समान रूप से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। अब इस अट्रैक्शन के कारण आप देखिए, इस पे समान रूप से चारों ओर से एक अट्रैक्शन लग रहा है, और इस अट्रैक्शन के कारण क्या इस पर रिजल्टिव अट्रैक्शन किसी एक डायरेक्शन में रहेगा, क्या इस पे परिणामी आकर्षण बल किसी एक दिशा में लगेगा? नहीं, ये सारे के सारे अट्रैक्शन जो चारों ओर से इस कण को आकर्षित कर रहे हैं, ये सारे आकर्षण बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, कैंसल कर देंगे, और परिणामी क्या होगा, इस कण पर कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा, इस पर कोई भी फोर्स है वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ये अपन जो अंदर का पार्ट, बल्क का जो पार्टिकल है, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं। आगे देखिए, एक पार्टिकल यहाँ सरफेस पे, इस सरफेस वाले पार्टिकल को अगर अपन स्टडी करें तो देखिए, इस सरफेस वाले पार्टिकल को यहाँ पे इधर ये वाला पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहा है, इधर ये अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे ये अट्रैक्ट कर रहा है, इधर ये, यहाँ पे ये, इस तरह का इस पे अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। दोनों अट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस कर लें हम कि क्या डिफरेंस है। देखिए, इस पे चारों ओर से समान आकर्षण, सिमिलर अट्रैक्शन लग रहा था, इसलिए हम कह सकते थे इस पर जो फोर्स है वो बैलेंस टाइप का है, बैलेंस फोर्स इस पर लग रहा है। पर क्या इस पे, इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स हम शो कर रहे हैं, क्या वो बैलेंस है? नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अदर पार्टिकल इस कंपोनेंट के नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर की ओर कोई भी अन्य कण, अदर पार्टिकल्स नहीं होने के कारण यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जो सतह के कण होते हैं उनकी एनर्जी अधिक होती है, उनकी ऊर्जा है वो ज़्यादा होती है, कंपैरेटिव टू बल्क के पार्टिकल से इनकी ऊर्जा अधिक होती है। कुछ कुछ सरफेस केमिस्ट्री में यही चीज़ हमारे द्वारा डिस्कस की जाती है। तो यहाँ पे जो बल्क के पार्टिकल के कंपैरेटिव, एक तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इस पर असंतुलित बल लग रहे हैं, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए, इस वाले पार्टिकल की एनर्जी अधिक है, और केमिस्ट्री क्या कहती है, जिसकी एनर्जी अधिक होगी
उसकी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। एनर्जी अगर अधिक है तो स्टेबिलिटी में कमी होगी, ठीक बात है। कोई भी पार्टिकल है वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए इसे भी बैलेंस फोर्स चाहिए, इसे भी संतुलित बल चाहिए। और इस फोर्स को संतुलित करने के लिए ये पार्टिकल क्या करने वाला है, ध्यान दीजिए, क्या करेगा, ये ऊपर की ओर जो इसके आप एयर देख रहे हो, इस एयर को ये क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, ये एज ए एड्सॉर्बेंट रिएक्ट करेगा। और जो एयर है वो एड्सॉर्बेंट के रूप में रिएक्ट करेगी, और यहाँ पे ये क्या करेगा, इस एयर को एड्सॉर्ब करेगा। किस प्रकार से, देखिए मान लीजिए एक एयर का पार्टिकल, दूसरी एयर का पार्टिकल, ये तीसरा एयर का पार्टिकल, ये पार्टिकल इस प्रकार से अगर इन इसको आकर्षित करने लगे, तो अब इस वाले पार्टिकल पे भी किस तरह के फोर्सेस हो गए, जो इनका इम्बैलेंस था वो फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, और इस पे भी एक बैलेंस फोर्स आ गया। रिजल्टिव क्या होगा, एनर्जी में कमी आएगी, और हीट इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, पहली चीज। दूसरा, हीट रिलीज होगी, इसके अलावा देखिए हमने इस तरह से इस एड्सॉर्बेंट को शो किया है। फर्स्ट कंडीशन आपके सामने मैंने शो कर दी थी, सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एड्सॉर्बेंट, और ये है एड्सॉर्बेट, ठीक है। अधिशोष्य अधिशोषक, अधिशोष्य, और ये क्या है, अधिशोषक। आ रही है बात समझ में। अब एक टर्म और, यहां पे हीट रिलीज हो रही है, पहली चीज हमने ये बता दी। अब देखिए यहां पे जब ये इन पार्टिकल्स पे बैलेंस फोर्स अचीव करने के लिए इन्हें जब अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन के रिजल्टिव कहाँ पे अटैच होंगे, इस सरफेस पे अटैच होंगे। कैसे, देख लीजिए, जैसे ये पहले कैसे थे, इस कंडीशन में प्रेजेंट थे एड्सॉर्बेंट, अब क्या होगा, इस सरफेस पे इस प्रकार से सरफेस पे इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। हो गया, ओके। अब कंपेयर करिए, यहां पे जो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स है और यहां पे जो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स है, इनको आप कंपेयर करिए। कंपेयर करके हमें यह पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन में इनमें अरेंजमेंट ज्यादा है, व्यवस्थित अधिक, कौन सी स्थिति में, वेल अरेंज्ड कहां कहेंगे। मान लीजिए इसे कह दें दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड दिस वन इज सेकेंड कंडीशन, तो वेल अरेंज कहां है इसके बारे में यहाँ पे अपने को कंपेयर करके देखना है इसको। तो देखिए यहाँ पे ये बिखरे हुए पड़े हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ये अरेंज हो चुके हैं। एक थर्मोडायनामिक टर्म आपने पढ़ी होगी, एंट्रोपी, 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 एंट्रोपी क्या कहती है, एंट्रोपी कहती है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम जितना अरेंज होगा, जितना वेल अरेंज होगा, जितना वेल अरेंज होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। कोई भी सिस्टम जितना वेल अरेंज होगा, यानी वेल अरेंज जितना ज़्यादा होगा, एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जब ये वाली प्रोसेस हुई, इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की हीट को मैं अगर H1 बोलूं, सेकंड कंडीशन की हीट को मैं H2 बोलूं, तो आप मुझे ये बताइए कि हीट जो एंथैल्पी है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। जब एक पार्टिकल यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा तो क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो उसकी एंथैल्पी में क्या आएगी, कमी आएगी। मान लीजिए यही पार्टिकल ले रखा अपन ने, ये वाला, तो इसकी एंथैल्पी में क्या आएगी, कमी आएगी। और एंथैल्पी में कमी आएगी मीन्स इस H2 का मान H1 के कंपैरेटिव क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे जब आप डेल्टा H कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1,
ओके तो यहां पे H2 की वैल्यू क्या है, हीट इसने क्या करी है, रिलीज करी है, इसलिए H2 की वैल्यू क्या है, कम है। H1 की क्या है, ज्यादा है। कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू आप डिडक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और जहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट आता है, हम क्या कह देते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस यहां पे हो रही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड देखिए, अरेंजमेंट, किसी भी सिस्टम का जितना ज्यादा अरेंजमेंट होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होती है। तो यहां पे देखिए, फर्स्ट से सेकंड में जब गया तो एंट्रोपी में कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है। एंट्रोपी में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मान लीजिए यहां पे इन कणों की एंट्रोपी को हम बोल दें S1 और यहां पे कह दें S2, हमसे पूछे कहां S1 का मान ज्यादा है या S2 का, तो हम क्या देखेंगे, सिस्टम कौन सा अरेंज है। तो आप बताइए, यहां पे अरेंजमेंट आपको इस एडजोर्बेट का अधिक दिखाई दे रहा है, यहां पे आप कहेंगे सेकंड कंडीशन में, यानी S2 की वैल्यू में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और S2 की वैल्यू में अगर कमी आ रही है तो यहां पे आप डेल्टा S जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, S2 माइनस S1, देयर इज डेल्टा S। और डेल्टा S की वैल्यू यहां पे डेल्टा S, और यहां पे डेल्टा S इज इक्वल टू क्या लिख दिया, S2 माइनस S1, यही क्या है, डेल्टा S। तो अब देखिए S2 की वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि सिस्टम अरेंज हो चुका है और यहां पे अरेंजमेंट नहीं है। विच वन इज ग्रेटर, S2 और S1, यहां पे S1 की वैल्यू अधिक होगी और S2 की कम होगी। कम में से अधिक घटाएंगे, रिजल्ट डेल्टा S का भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी यूं शो कर दूं मैं, डेल्टा S भी क्या है, नेगेटिव। इतनी बात आ रही है समझ में कि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एडसॉर्प्शन होने पर जो एडजोर्बेट पार्टिकल्स है उनकी एंट्रोपी में कमी आती है, जो यहां पे प्रूव हो जाता है। इतनी बात आ गई समझ में, चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3, चलो आगे। ओके, दो चीज हमने देख ली, रिजल्ट हमें क्या मिला है, एक तो जब भी एडसॉर्प्शन होगा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी और डेल्टा S की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ओके, देन वी गो टू द गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बारे में हम बात कर ले। देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, या इसे अपन गिब्स सब जानते हो आप, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ही होती है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, अ थर्मोडायनामिक रिलेशन। किसके अकॉर्डिंग, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अ थर्मोडायनामिक रिलेशन। क्या दिया जाता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ओके, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दिया जाता है। अभी अपन ने जो काम करा था उसमें रिजल्ट क्या मिला था हमें, हमने लिखा था डेल्टा एच एडसॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी। यहां पे देखिए, हमें दिया है डेल्टा जी, तो डेल्टा जी की यहां पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज डेल्टा जी, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा एच क्या है, या यहां पे डेल्टा एच तो इंटरवल इन एच है, एच क्या है, एंथैल्पी। व्हाट इज एच, एच इज एंथैल्पी। टी व्हाट इज टी, टी इज द टेम्परेचर। टी क्या है, टेम्परेचर, और एस क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, तो यहां पे जी गिव्स फ्री एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है, और एस एंट्रोपी है, और डेल्टा क्या है, इनमें इंटरवल, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में जो इंटरवल मिलता है वो है डेल्टा एस। ओके, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए क्या कहता है ये रिलेशन, हमें किसकी
इंफॉर्मेशन देता है, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो इस रिलेशन के द्वारा दी जाती है। कोई भी प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा वो यहाँ पे हमें इस रिलेशन से पता चलता है। कैसे चलता है, देखिए किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः परिवर्तित खुद से होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन प्रोसेस इज, या फिनोमिना कह सकते हो, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस स्वतः परिवर्तित, स्वतः प्रवर्तित, ठीक है, प्रोसेस प्राक्रम। एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस यानी अस्वतः प्रवर्तित। एंड इफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो देन प्रोसेस एट इक्लीब्रियम, इक्लीब्रियम साम्यावस्था, साम्यावस्था, ठीक है। तो यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और एडसोर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यहां पे जो एडजोर्बेट को एडजोर्बेंट एडजोर्ब कर रहा है, अधिशोष्य को अधिशोषक अधिशोषित कर रहा है, वो प्रोसेस करवा रहे हैं, अपने आप हो रही है, सेल्फ हो रही है, अपने आप हो रही है। मिस डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी अधिशोषण सेल्फ कब होगा, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तभी वह स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अपन कह रहे हैं डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो हमें ओवरऑल ये रिलेशन क्या मिलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का, डेल्टा एस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए ये रिलेशन ओवरऑल हमें एडसोर्प्शन के लिए मिला है, तो हम कह सकते हैं एडसोर्प्शन के स्पॉन्टेनियस स्वतः परिवर्तित स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब भाई देखो ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू की जो मान है, डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक होने पर ही इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा, जब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, यानी इस टी डेल्टा एस की वैल्यू से जब डेल्टा एच की वैल्यू अधिक होगी, भाई ये वाली वैल्यू अधिक होगी ये कम होगी, तभी तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव रहेगा, वरना रिजल्ट नेगेटिव थोड़ी रहेगा। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब भी होगी जब ये नेगेटिव हो, ठीक है, ओके। तो इसे आप राइट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, तो ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से अधिक होनी चाहिए, तब ही यहाँ पे ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसको कुछ इस प्रकार से समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं कि जब अधिशोषण हो रहा है, जब एडसोर्प्शन हो रहा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिल रही है 4000 किलो जूल, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है 4000 किलो जूल, और डेल्टा
टी की वैल्यू है 300 केल्विन टेम्परेचर पे हम ये कार्य करवा रहे हैं और डेल्टा एस की वैल्यू है मान लीजिए 10। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही तो होगा ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैल्यूज पुट कर दीजिए, माइनस 10 वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, माइनस 4000, ये नेगेटिव होगा ना भाई क्योंकि एक्सोथर्मिक है, इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू क्या है 300, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो माइनस का 10 और 300 क्या हो जाएगा, प्लस का 3000, माइनस 4000 प्लस 3000 रिजल्ट कितना आएगा, माइनस 1000। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है मीन्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस सेल्फ हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन अगेन दिस रिलेशन पुट हियर टी डेल्टा एस। यहां पे मैं इस बार कह रहा हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू 3000 है, टी यहां पे 300 है और डेल्टा एस अगेन 10 है, नेगेटिव 10 है, तो वैल्यूज क्या पुट कर देंगे, 3000 माइनस कितना आएगा भाई, 300 माइनस 10 प्लस का 3000 प्लस का क्या आ जाएगा 3000। अब यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, हीट कितनी रिलीज हो रही है 3000 किलो जूल, टी डेल्टा एस का मान क्या है प्लस 3000, तो ये प्लस का 3000, ये माइनस का 3000, प्लस में से माइनस 3000 जाएगा, क्या बचेगा जीरो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है जीरो, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, क्या यहाँ पे एडसॉर्प्शन होगा, क्या एडसॉर्प्शन तो होगा पर यहाँ पे एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों की जो रेट है वो इक्वल हो जाएगी, यानी अधिशोषण और विशोषण समान हो जाएगा, इक्लिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा इक्लिब्रियम, साम्यावस्था। आपको ऐसा लगेगा कि प्रोसेस रुक चुका है पर वास्तव में क्या होगा कि जितने पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही डिसॉर्ब हो रहे हैं, है ना, जितने अधिशोषित किए जा रहे हैं उतने ही विशोषित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो आप यहाँ पे ये अनुमान लगाएंगे कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, साम्यावस्था आ चुकी है, अधिशोषण और विशोषण की दर समान हो चुकी है। थर्ड कंडीशन की बात कर लें, थर्ड में दिस टाइम हम कह रहे हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू इस बार माइनस 2000 है, माइनस टी डेल्टा एस, टी की वैल्यू वही 300 केल्विन है और डेल्टा एस की वैल्यू माइनस 10 है, तो इस बार क्या आया रिजल्ट आपके पास, माइनस 2000 प्लस 3000 और रिजल्ट कितना आएगा 1000, किसमें, पॉजिटिव में। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, आ रही है बात समझ में, मींस कहने का मतलब यह है कि इस डेल्टा एच की वैल्यू इस टी डेल्टा एस से अधिक होने पर ही जो एडसॉर्प्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा, बात आ रही है समझ में, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको मैं कि जो यहां पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है, इस टेम्परेचर की वैल्यू आप कम रखेंगे, लेस रखेंगे, कम टेम्परेचर रखेंगे तब ही एडसॉर्प्शन होगा, और एडसॉर्प्शन स्वतः होने वाला है तो सामान्य ताप पे होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़ी कराते हैं, पर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो एडसॉर्प्शन की वैल्यू में कमी आएगी। कौन से एडसॉर्प्शन में कमी आएगी, कैसे आएगी या वृद्धि होगी, उसके बारे में आगे अपन टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए कि ये वाला रिलेशन हमेशा एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से अधिक होगी, बात आ रही है समझ में, हो जाएगा एनी डाउट, चलिए आगे चलते हैं, मिटा दूं इसे, ओके। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिजॉर्प्शन
एंड केमी जॉर्प्शन। फिजी जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण, केमी जॉर्प्शन रासायनिक अधिशोषण। इसे क्या कहते हैं? फिजी जॉर्प्शन क्या होगा? भौतिक, या यहां पे टेबल बनाऊंगा उसमें लिख दूंगा मैं, यहां पे क्या हो गया, यहां लिख दूंगा भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में विभेद, या हम कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। फिजी जॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण, केमी जॉर्प्शन रासायनिक अधिशोषण, इन दोनों में हम डिफरेंस करने वाले हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं फिजी जॉर्प्शन, और यहां ले लेते हैं केमी जॉर्प्शन। ठीक है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी हम यहां पे कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए फिजी जॉर्प्शन में क्या होता है। फर्स्ट जो इनमें डिफरेंस है, फिजी जॉर्प्शन में एडजोर बेंड और एडजोर बेट के बीच में वीक वंडरवाल्स बल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। भौतिक अधिशोषण में क्या होगा? अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडरवाल्स बल प्रेजेंट होंगे। यानी वांडरवाल्स बल सब जानते हैं वीक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे एडजोरबेंट और एडजोरबेट के बीच में बहुत ही वीक टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है। जबकि केमी जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे एडजोर बेंट, देखिए एडजोर बेंट यानी अधिशोषक सॉल्वेंट जो ज्यादा है, एड जोर बेंट एड जोर बेट, इनके बीच में क्या होगा केमी जॉर्प्शन में? केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे तो क्या है, वीक वांडरवाल बल फोर्स से अट्रैक्ट है एक दूसरे से, दुर्बल वांडरवाल बल से आकर्षित है, जबकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होगी। और केमिकल बॉन्डिंग होगी तो मींस कहने का मतलब है अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ पे वीक वांडरवाल्स बल प्रेजेंट है और यहाँ पे रासायनिक बंध उपस्थित है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट है, केमिकल बॉन्ड लिख दो। ठीक है, और केमिकल बॉन्ड है तो यहां पे क्या होगी, दोनों के मध्य केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखिए वांडरवाल्स बल है तो वांडरवाल आकर्षण तो किसी के मध्य भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एक विशिष्ट प्रकार का तो एडजोरबेंट हो और एक विशिष्ट एडजोरबेट हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कोई भी एडजोरबेट है वो किसी भी एडजोरबेंट को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, कोई भी अधिशोषक अगर किसी भी अधिशोष्य को आकर्षित कर रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? नॉट स्पेसिफिक, ये विशिष्ट नहीं है। और अगर एक निश्चित अधिशोषक एक निश्चित अधिशोष्य को ही आकर्षित करे तो हम कहते हैं कि ये विशिष्ट है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे भौतिक अधिशोषण के मैटर में क्या कह सकते हैं हम? नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, क्योंकि निश्चित नहीं है कि एडजोरबेंट कौन होगा, अधिशोष्य कौन होगा। किसी भी अधिशोष्य को अगर अधिशोषक एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे अपन कहते हैं नॉट स्पेसिफिक, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ओके, तो ये तो नॉट स्पेसिफिक है, पर केमिकल रिएक्शन के लिए तो क्या चाहिएगा? निश्चित रिएक्टेंट चाहिएगा। तो यहाँ पे जो आपका केमी जॉर्प्शन है ये क्या होगा? स्पेसिफिक होगा यानी विशिष्ट, और यह विशिष्ट नहीं, जो फिजिजॉर्प्शन है वह विशिष्ट
नहीं है। इसके अलावा फिजिजॉर्प्शन में क्या होगा कि अगर एक अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो गया, चिपक गया, तो उसे वापस भी हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा बात की तरफ कि फिजिजॉर्प्शन में क्या होना है कि अधिशोष्य का अधिशोषण हो गया, अब इस अधिशोष्य को वापस भी यहां से हटाया जा सकता है, यानी उत्क्रमणीय प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, परंतु यहां पे तो केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिकल रिएक्शन भी कैसी होती है? नॉट रिवर्सिबल। जो अधिशोष्य अधिशोषित हो चुका है उसे हटाया नहीं जा सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और ये क्या है? नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल, या उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक है। इस पे जो अधिशोष्य है उसको हटा सकते हैं, मतलब जो प्रोसेस है वो रिवर्स जा सकता है, जबकि ये रिवर्स नहीं जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये विशिष्ट नहीं है तो यहां पे जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। जब अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर एडजॉर्ब होगा तो यहां पे हीट की वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी, जबकि यहां पे हीट की वैल्यू क्या रहेगी? अधिक रहेगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहां पे अपन क्या कह सकते हैं? मोलर एडसॉर्प्शन एंथैल्पी, मोलर एडसॉर्प्शन एंथैल्पी की वैल्यू होती है 20 से 40 किलो जूल, बहुत ही कम होती है, 20 to 40 किलो जूल, जबकि केमिजॉर्प्शन में मोलर एडसॉर्प्शन एंथैल्पी, मोलर एडसॉर्प्शन एंथैल्पी का मान होता है 80 से 240 किलो जूल, यानी हाई होता है। इसको देखिए, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी में भी यही लिखूंगा मैं, मोलर अधिशोषण एंथैल्पी, मोलर अधिशोषण एंथैल्पी। तो यहां पे अधिशोषण एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? कम है। यहां पे अधिशोषण एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? अधिक है। क्यों है अधिक? क्योंकि यहां पे वैंडरवाल्स बल के द्वारा, वैंडरवाल बल के द्वारा अट्रैक्शन हो रहा है, जबकि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो हीट रिलीज हो रही है वो यहां पे ज्यादा होती है। देखिए, बोर्ड्स के लिए ये वाला जो डिफरेंशिएशन है, डिस्टिंक्शन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ जो डिफरेंस है ये अपने को सारे के सारे डिटेल में भी पढ़ना है। फिफ्थ डिफरेंस जो डिफरेंस है वो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एडसॉर्प्शन में क्या आएगी? कमी आएगी। यदि ताप बढ़ाया जाता है तो अधिशोषण क्या होगा? कम होगा, जबकि यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा। एट बिगिन, एट बिगिन, प्रारंभ में बढ़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात क्या होगा? टेम्परेचर, ये पढ़ना है अपने को, डिटेल में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, यहां पे ऐसा क्यों होता है, यहां पे ऐसा क्यों, ये पूरा अपन एक्सप्लेन करेंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। बाद में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन में भी क्या आएगी? कमी आएगी। देखिए, फिजिजॉर्प्शन में तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन क्या होगा? घटेगा। जबकि केमिजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, पर एक लिमिट के बाद में एडसॉर्प्शन में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों होता है ऐसा? इसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये मल्टी लेयर होता है, मल्टी लेयर यानी बहुपरतीय, बहुपरतीय, जबकि ये क्या होता है? फोर है ना, ये मोनोलेयर, एक परतीय, एक परतीय। ध्यान से समझे इस बात को कि जैसे कोई पदार्थ है, कोई एक अधिशोषक है, उसके ऊपर वाटर की, जल की, जैसे लकड़ी है, लकड़ी पे मान लीजिए जल है, वो अधिशोषित हो गया,
वाटर अधिशोषित हो गया, एक लेयर बन गई, तो इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी अधिशोषित की जा सकती है, तीसरी भी की जा सकती है, यानी ऐसे जल की बहुत सारी परतें बन सकती है। किसमें? फिजीजोर्प्शन में। पर केमीजोर्प्शन में क्या होना है? केमिकल रिएक्शन होनी है, और केमिकल रिएक्शन एक लेयर में ही कंप्लीट हो जाती है, तो यहां पे मल्टी लेयर नहीं होगा, मोनो लेयर होगा। ठीक है, सेवंथ जो फिजीजोर्प्शन है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नो एनी नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि केमीजोर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की कोई नीड नहीं है, जबकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। तो ये यहाँ पे इसमें आपको 7 डिफरेंशिएशंस बताए गए हैं, जो कि आपने ध्यान में रखने हैं। बोर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम आप प्रिपेयर कर लीजिए। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो गाइस इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। इन्हीं में से कुछ डाटा उठा के और उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज करिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।